हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्मण सैनी, लक्ष्मण हेल्थ से। आज हम बात करेंगे एलर्जी के बारे में। एलर्जी क्या होती है और एलर्जी कितने प्रकार की होती है, एलर्जी के क्या कारण होते हैं जिससे हमारे शरीर में एलर्जी होती है, और एलर्जी को हम किस प्रकार ठीक कर सकते हैं, इसकी क्या क्या मेडिसिन ले जिससे हमारी एलर्जी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अब हम जानते हैं एलर्जी क्या होती है। एलर्जी एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हमें एलर्जी करने वाले तत्वों से लड़ना पड़ता है। अब हम एलर्जी कितने प्रकार की होती है और ये एलर्जी कैसे होती है और ये किन किन चीज़ों से एलर्जी होती है और इसके बारे में हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबा दें। अब हम बात करते हैं एलर्जी कितने प्रकार की होती है। एक तो दवाई की एलर्जी होती है, जैसे कि हम किसी मेडिसिन ले रहे हैं, किसी इंजेक्शन लगवाते हैं, उससे हमारे शरीर पर एलर्जी होती है, वो हमें सूट नहीं करती, जिससे हमें हमारे शरीर पर रहसे, फुंसी, सर्दी लगना, ऐसी स्थिति हो जाती है, तो वो दवाई की एलर्जी कहलाती है। अब दूसरी बात करते हैं हम फूड की एलर्जी। जैसे हम कुछ खा लेते हैं, खाना, सब्जी, कुछ भी चीज़ एक्स वाई जेड, जिससे हमें वो सूट नहीं करती और हमें एलर्जी हो जाती है, वो हमारी फूड एलर्जी होती है। अब हम तीसरी एलर्जी के बारे में बात करते हैं, कीड़े मकौड़े, मच्छर, मधुमक्खी के काटने से हमें जो एलर्जी होती है वो कीड़ों की एलर्जी होती है। अब चौथी एलर्जी के बारे में बात करते हैं हम जानवरों की एलर्जी, कि जानवरों से हम किस प्रकार की एलर्जी होती है, जिससे कि हमारे शरीर पर फुंसी हो जाती है, इचिंग हो जाती है, यह हमारी जानवरों से एलर्जी होती है। अब हम पांचवी एलर्जी की बात करते हैं, जो धूल मिट्टी के कणों से एलर्जी होती है, जिसमें हमें सांस लेने में दिक्कत आ जाती है और सांस लेने में दिक्कत आती है, जी घुटने लगता है, यह एलर्जी धूल मिट्टी की एलर्जी होती है। आंखों में भी एलर्जी होने लग जाती है, आंखों में आंसू आना, आंखों में खुजली चलना, यह धूल मिट्टी से होने वाली एलर्जी होती है। अब हम छठी एलर्जी के बारे में बात करते हैं, प्रदूषण की एलर्जी, जो वायु प्रदूषण के कारण हमारे शरीर पर एलर्जी होती है। अब इन एलर्जी से किस प्रकार की बॉडी पर साइड इफेक्ट देखे जाते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट त्वचा पर देखे जाते हैं, जिससे हमारी त्वचा लाल हो जाती है, खुजली चलने लग जाती है, फुंसी वगैरह हो जाती है, ये हमारे त्वचा की एलर्जी होती है। और इसके बाद में हम बात करते हैं होठों पे सूजन आ जाना। एलर्जी से हमारे होठों पे सूजन आती है, शरीर पे सूजन आ जाना, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और नाक से भी पानी बहने लगता है, रनिंग द नोज, नाक से पानी आना, इस प्रकार की एलर्जी होती है। अब हम इसकी मेडिसिन के बारे में बात करते हैं कि हमें कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए जिससे कि हमारी एलर्जी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। सबसे पहले हम इस एलर्जी के ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जो नंबर 1 एक टेबलेट आती है जिसका नाम है सिट्रिजन। सिट्रिजन टेबलेट एक कॉमन टेबलेट है, इसको हम आम मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध हो जाती है। यह टेबलेट हमारे जैसे कि खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, ऐसी स्थिति में हम इस टेबलेट को ले सकते हैं। अब इस टेबलेट के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग होना, हेडक होना, पेट दर्द, ऐसी स्थिति इसके साइड इफेक्ट वाली होती है। अब हम दूसरी टेबलेट के बारे में बात करते हैं, लीवोसिट्रिजन। लीवोसिट्रिजन टेबलेट एक ब्रांडेड नेम है, इसमें लीवोसिट्रिजन साल्ट होता है, यह 10 mg में, 5 mg में आती है, इसको हम सुबह और शाम ले सकते हैं, यह हमारी एलर्जी को जड़ से खत्म कर देती है। अब हम तीसरी टेबलेट के बारे में बात करते हैं, तो एलेग्रा टेबलेट। एलेग्रा टेबलेट यह मार्केट में ब्रांडेड नाम से बिकती है। एलेग्रा टेबलेट यह 120 mg की होती है, इसको हम रात को सोते टाइम एक टेबलेट लेनी होती है, खाना खाने के बाद में, यह हमारी एलर्जी को जड़ से खत्म कर देती है। अब चौथी और लास्ट जो पॉपुलर टेबलेट है उसका नाम है मोन्टोलुकास्ट टेबलेट। मोन्टोलुकास्ट यह एलर्जी की सबसे बेस्ट टेबलेट है, यह हमारी एलर्जी को जड़ से खत्म कर देती है। यह टेबलेट मार्केट में मोन्टोलुकास्ट, मोन्टोपुल एलसी, मोन्टास, ऐसे ब्रांड नाम से जानी जाती है, यह हमारी रनिंग द नोज, खांसी, ऐसी स्थितियों में काम आती है।